अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आपको बहुत आसान और बहुत मज़ेदार मशहूर ज़माना बनाना अपसाइड डाउन केक बनाना सिखाऊंगी, जो कि बनाना बहुत आसान है और आप इसको चूल्हे पे बना सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसे चूल्हे पे बनाना सिखाऊंगी। 3/4 कप हम इसमें मैदा यूज़ करेंगे, 1/2 कप हमने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है, 1 अदद अंडा चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर का, और 1/2 कप हमने यहाँ पे तेल लिया है, आप इसकी जगह घी या मक्खन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1/2 कप हमें दूध चाहिए, और 2 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर हमें चाहिए, इसके लिए चंद कतरे हम वनीला एसेंस के यूज़ करेंगे, और 2 हमें बनाना चाहिए। सबसे पहले हम इसमें अंडा शामिल करेंगे, इसको तकरीबन आप 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे तरीके से आप हाई स्पीड पे बीटर की मदद से बीट कर लें। अगर आप इसको बीट ना करना चाहें तो आप विस्क की मदद से इसको आप अच्छे तरीके से फेंट सकते हैं। जब इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए तो इसके बाद जो दूध है हमारा 1/2 कप इसमें वो शामिल करेंगे, और जो मैदा है 3/4 कप वो इसमें डालना है हमने, और बेकिंग पाउडर। पहले मैदे को और दूध को अच्छे तरीके से बैटर में हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करके अच्छे से इसको फोल्ड करेंगे। चंद कतरे हम यहाँ पे वनीला एसेंस के भी इसमें शामिल करेंगे ताकि जो अंडे की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो बैटर हमारा इस तरह से तैयार हो चुका है। तो फ्रेंक पैन लेके उसमें हम पिसी हुई चीनी 1 चम्मच इस तरह से हम फ्राइंग पैन में डाल देंगे। उसके बाद जो 2 बनाना थे उनको हमने इस तरह से तकरीबन 1/2 इंच काट लिया था, 1/2 इंच यानी उनकी मोटाई होनी चाहिए। अभी जो यहाँ पे बैटर हमने तैयार किया था उसको इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह आप चूल्हे के ऊपर तवा रखें और फ्रेंक पैन को आप कवर करके इसके ऊपर रख दें, और पहले जो 2 मिनट है उसमें आपकी जो हीट है वो मीडियम होनी चाहिए। उसके बाद 25 मिनट आप इसको बिल्कुल हल्की आंच पे लो फ्लेम पे आपने इसको कवर करके पकाना है, और बीच में बार बार आपने इसका जो ढक्कन है वो उतार के नहीं देखना। इस तरह से जो केक है वो हमारा बेक हो चुका है। तो अभी हम छुरी की मदद से इसमें चेक कर लेंगे कि केक मुकम्मल तौर से पक चुका है या नहीं। छुरी अगर आपकी साफ़ सुथरी बाहर आती है तो मतलब आपका जो केक है वो अच्छे से बेक हो चुका है।
तो केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। तो अभी हम जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद, तो स्पैटुला की मदद से आप इसको पहले पूरा साइडों से नीचे से आप एक बार जो चमचा है उसको आप नीचे से गुजार लें। उसके बाद प्लेट ऊपर रख के तो आप इसकी जो है प्लेट में आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं सर्व करने के लिए। तो इस तरह से माशाल्लाह हमारा बहुत आसान और बहुत मज़ेदार बनाना अपसाइड डाउन केक तैयार हो चुका है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।